पॉपुलर यूट्यूबर अरमान मलिक इस समय रियलिटी शो बिग बॉस OTT3 के लिए सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसमें वो अपनी दोनों पत्नियां पायल मलिक और कृतिका मलिक के साथ शामिल हुए हैं। शो में तीनों दर्शकों का खूब ध्यान खींच रहे हैं। पहले पायल ने खुलासा किया था कि जब उन्हें अरमान की कृतिका संग दूसरी शादी के बारे में पता चला था तो वो यकीन ही नहीं कर पाई थी। अब कृतिका ने पायल संग अपने रिश्ते के मुश्किल दौर को याद किया है। बता दें कि पायल मलिक और अरमान जब अपने बेटे चिरायु के साथ हैप्पी फैमिली लाइफ जी रहे थे, तब कृतिका ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त पायल के पति से शादी कर ली थी। हालांकि इसका उन्हें हमेशा अफसोस रहता है। बिग बॉस OTT3 के लेटेस्ट एपिसोड में कृतिका ने इसी बारे में बात की थी। सना मकबूल संग बातचीत में कृतिका ने कहा कि अगर वो पायल की जगह होती तो उन्हें भी बुरा लगता। बातचीत में पायल ने कहा कि उस वक्त वो और कृतिका एक दूसरे की दुश्मन बन गई थी। पायल ने कहा, उस समय मेरी और उसकी ऐसी थी कि ना मैं इसे देख सकती थी और ना ये मुझे। हम दोनों एक दूसरे के इतने बुरे दुश्मन थे। हम दोनों फोन पर एक दूसरे को गालियाँ दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। अभी अभी हमने ये बॉन्डिंग बनाई है। अब ऐसा सीन है कि अरमान हमसे लड़ सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से नहीं लड़ते। वहीं कृतिका ने ये भी साझा किया कि कैसे लोगों ने उन्हें और पायल को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया, जिससे उनके रिश्ते में दरार आ गई। कृतिका ने कहा, हमारे मन में लोगों ने एक दूसरे के लिए इतना जहर घोल दिया कि तेरी उससे शादी हो रही है और वो तेरा पति तुझसे छीन ले गए। तुम दूसरी पत्नी हो, तुझ पर हमेशा ठप्पा रहेगा। इसको अलग बातें बोली, मुझे अलग। वो जो फेस था और ये 1.5 साल तक चला, मैं उन चीजों को शब्द में व्यक्त नहीं कर सकती। कृतिका ने आगे बताया कि कैसे आखिरकार उन्होंने अपनी सभी मतभेद सुलझाई। उन्होंने कहा कि वो अरमान और पायल 2 दिनों तक एक साथ बैठे और अपने रिश्ते के बारे में लंबी चर्चा की। गलतफहमियां दूर होने के बाद कृतिका को एहसास हुआ कि उन तीनों के पास उनके अलावा कोई नहीं है। फिलहाल पायल और कृतिका के रिश्ते के बारे में उनके खुलासे पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।